तो मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और ये हमारे उत्तराखंड का जो लोक पर्व था, आज हमें बड़े गर्व के साथ में कह सकते हैं कि आज ये विश्व का त्यौहार बन चुका है। जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो सभी ने इसको अपनाया और सभी इसका अनुसरण कर रहे हैं। मैं कह सकती हूँ कि हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, वो कितने विद्वान और कितनी दूरदर्शिता उनकी होती थी। जिस समय की पर्यावरण बहुत सुंदर चल रहा था और पर्यावरण के कहीं पे भी प्रदूषित नहीं था, उन्होंने इन चीज़ों की योजना तब बना दी थी कि साल भर में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसको कि हम वृक्षारोप किया, पौधा रोप कर और मनाएं उसको। तो वही मैं देख रही हूँ कि कल हमारे पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में कि मैं बात करूँगी, वैसे तो ये पूरे अपने उत्तराखंड में, पूरे देश प्रदेश भर में मनाया गया, लेकिन हमारे यहाँ पे ऋषिकेश में बहुत बहुत अच्छे से हर कहीं पे, हर गली मोहल्ला चौराहे, जहाँ पे भी जिसको जरा सी जगह देख रही थी वहीं पे वो एक पौधा लगा रहा था। तो बहुत अच्छा ये संदेश है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि साल भर में एक दिन या हमारा जो 15 दिन का ये पखवाड़ा, ये जो सप्ताह चलता है हमारा, 15 दिन का जो पीरियड चलता है हमारा वृक्षारोपण का हरेला का, वहीं तक सीमित ना रहें, उनकी देखभाल भी करें। हम बहुत ज़्यादा 150 पौधे ना लगाएं और एक पौधा लगाएं और उस पौधे को वृक्ष बनाने तक का संकल्प ले लें उस दिन। तो मैं सभी से यही संदेश देना चाहूँगी कि जिस पौधे को लगा रहे हैं उसका संरक्षण संवर्धन भी करें और उसको पूरा वृक्ष तैयार होने तक उसकी पूरी देखभाल करें। और एक एक संकल्प कोई सभी को एक हॉल लेना पड़ेगा कि मेरा घर पर्यावरण घर, अपने घर को सभी पर्यावरण घर बनाएं, मेरा घर औषधीय घर, अपने घर में 5 औषधीय पौधे अवश्य लगाएं। जिस तरह से कि आज कोरोना काल में भी काढ़ा, तुलसी, गिलोय और ये अपना नीम हो गया, हल्दी हो गई, ये सारी चीज़ें काम आ रही हैं काढ़ा बना के, और वो बहुत इफेक्टिव भी है, जल्दी लोग उससे स्वस्थ भी हो रहे हैं, इस महामारी से लोग बचे हुए भी हैं। तो अपने अपने घरों में ऐसे औषधीय पौधे भी अवश्य लगाएं, जिससे कि हम अपने घरेलू उपचार से, अपने औषधीय उपचारों से इन बीमारियों से बचा जा सके। धन्यवाद।